बिना हेलमेट के अगर हम बाहर चला जाएं और रास्ते में पुलिस देखते हैं जितने तेजी से हम गाड़ी पीछे घुमा देते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से। तो दोस्तों आज के दिन मार्केट 12 बजे के बाद घूम गया, लेकिन जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उन लोगों का सफर दोस्तों मार्केट घूमने से पहले खत्म हो चुका था। 1,42,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 80,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 70,000 से ज्यादा प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, बस उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक कीजिए और सीधे जाइए ग्रुप पे जुड़ जाइए, क्योंकि आज के एक एक लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमा के रखे हैं। और फ्री वाले ग्रुप पे दोस्तों जो मैंने लेवल दिया मैजिकल लेवल था, सीरियसली एक झटके में हमें पैसा मिला। 11.4 में बोल दिया था 40,100, अगर ये लेवल को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो इसके बाद आप कॉल खरीदिए बोल के। उसके बाद आप देखिए दोस्तों जैसे ही बैंक निफ्टी क्लियर कट ब्रेकआउट दिया सीधे के सीधे बूम हुआ, और दोस्तों यही मोमेंटम हमने कैच किया। तो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी जुड़ जाइए, और लोगों का आज के दिन प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट का बारिश हुआ, एक एक लाख तक प्रॉफिट कमा के रखे हैं। तो आप भी जाइए अभी कभी जुड़ जाइए। और दोस्तों कल के दिन फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन ब्लैक फ्राइडे होगा या फिर व्हाइट फ्राइडे होगा ये तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आखिरी मोमेंटम पे जो फॉल आया है और जो दोस्तों दर्द अभी से कहीं ना कहीं 29 कहीं ना कहीं मार्च वाला ऑप्शन चेन पे पुट राइटर का दिखाई दे रहा है, वह दर्द तो दोस्तों मैं ही समझ सकता हूं और आप भी समझेंगे, क्योंकि मजा आएगा आज का ऑप्शन चेन डिस्कस करने में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और ये फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम चालू करते हैं बैंक निफ्टी से, आज का चार्ट एक अलग लेवल पे है और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का पूरा देखिए। बहुत सिंपलफाई मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों सिंपल वे में, थोड़ा फोकस हो जाइए। अभी देखिए कल के दिन हमें प्लानिंग क्या करना चाहिए, पहले बात तो सेलिंग का हम बात करते हैं। अगर कल के दिन अगेन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला ये तो हम डिस्कस करेंगे, ये पैनिक सेलिंग क्यों आया वो तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन कल के दिन पहला प्लान दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा कल के दिन खुल गया और 39,411 इस लेवल के नीचे जाना चालू किया ना, तो टारगेट आपका सीधा 38,900 तक आना, मतलब आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आने का पॉसिबिलिटी बहुत है। कल के दिन अगर 39,411 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो इसके पीछे दोस्तों रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे ये लेवल एक गोल्डन लेवल है और खास करके बैंक निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं डू और डाई सिचुएशन आएगा। जैसे ही बैंक निफ्टी इसी लेवल को टच करेगा या फिर यहां से एक तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से दोस्तों कल के दिन इसको टच करके यहां से ऊपर घूम सकता है, या फिर कल के दिन टच करके इसके नीचे लोअर लो बनाए तो नीचे आ सकता है। रीजन आप खुद देख लीजिए, 39,411 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर आप देखेंगे एक बार इसी लेवल को टच करके नीचे गिरा था, सेकंड टाइम यहां पे टच किया, अगर आप देखेंगे थर्ड टाइम मार्केट ने टच किया, यानी कि क्लियर कट एक रेजिस्टेंस था। जब भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इसी लेवल को टच कर रहा था अपना डाउनफॉल का मोमेंट दे रहा था। एक दिन क्या हुआ बैंक निफ्टी गैप अप खुला, यही सेम लेवल को अगर आप देखेंगे दोस्तों सपोर्ट बनाया और यहां से बैंक निफ्टी अपना ऊपर की तरफ सफर चालू कर दिया, यानी कि पहले रेजिस्टेंस था और जैसे ही बैंक निफ्टी गैप अप खुल के जैसे ही टच किया यही रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे यहां पे सपोर्ट बनाया और जैसे ऊपर गया है तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है दोस्तों। और कल के दिन अगर गैप डाउन खुला और 39,500 लेवल जो है वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये अगर टूटा तो यहां पे ही कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और देखिए 39,500 लेवल भी टूटेगा, उसके नीचे टेक्निकली अगर आप देखेंगे 39,411 का जो सपोर्ट लेवल है वो भी टूटेगा तो और क्या चाहिए, सीधे की सीधे दोस्तों बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, तो बी रेडी। अब देखिए बाइंग का कब सोचना है, अगर कल के दिन बाइंग के बारे में तो कंफर्टेबल नहीं हूं, फिर भी कल के दिन 39,756 इस लेवल के ऊपर अगर निकलना चालू करेगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपने दिल में पत्थर रख के आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की रहेगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों आखिरी मोमेंटम के कंटिन्यूसली रेड 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 कैंडल ही मारा है बैंक निफ्टी, कहीं एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, यानी कि सेलर अभी हर एक प्लेस पे फुल हो चुके हैं, फिर भी 39,756 मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहां पे एक सपोर्ट बनाया अपने आप और यहां से दोस्तों अपना ऊपर के सफर चालू किया था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो सपोर्ट है अगर आप देखेंगे यही सपोर्ट दोस्तों मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया और ऑलरेडी इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि ये जो सपोर्ट है मेरा कहने का मतलब है ये अभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे, और नहीं तो अगर कल के दिन इसी रेजिस्टेंस के नीचे रहा तो डेफिनेटली सेल ही सेल, क्योंकि पहले सपोर्ट था टूटा तो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय, नहीं तो उससे पहले मत सोचिए। 39,584 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब जल्दी देख लेते हैं ऑप्शन चेन थोड़ा सा, अब आ चुके हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, और यहां पे हैं कॉल राइटर, यहां पे हैं पुट राइटर, इनका काम आज के दिन भैया खिलाड़ी हो गए और अनाड़ी तो हमारे पुट राइटर हो गए सेकंड हाफ में, और ये हमारे पुट राइटर दोस्तों। बट फिर
फिर भी दोस्तों ये अगले हफ्ते का ऑप्शन चेन है, आज का नहीं, 29 कहीं ना कहीं मार्च में अगले हफ्ते का एक्सपायरी होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डाटा बनाए, अजीब गरीब डाटा बनाए, क्योंकि 39,800 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऊपर वाले कॉल लेटर देखोगे तो ओनली एंड ओनली 40,000 के लेवल पे ही क्या है ये, 22 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल लेटर अब भी से आके बैठ चुके हैं। समझ पा रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस, इनको लगता है कि अगले आने वाले 5-6 दिन में 40,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं बैंक निफ्टी। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे कोई कॉल लेटर नहीं है, ओनली 3 लाख 4 लाख 2 लाख। उसके नीचे अगर आप देखेंगे कोई कॉल राइटर नहीं है, ओनली एक ही लेवल, वो है 40,000। यही दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल के दिन क्या, जब भी 40,000 के ऊपर जाएगा तो ही अप ट्रेंड के बारे में सोचिए, उससे पहले मत सोचिए। कॉल राइटर अगेन आके आज के दिन से ही जकड़ चुके हैं अगले हफ्ते के लिए। अगर आप बात करें पुट राइटर, तो डेफिनेटली दोस्तों पुट राइटर आज के दिन मार तो पड़ा है और किसी का कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा है। नीचे वाले लेवल अगर आप देखेंगे, अगले हफ्ते ऑप्शन चेन है, फिर भी ओनली 1 लाख, ओनली 2 लाख, 56,000, 2 लाख, छोड़ो पढ़ के भी कोई फायदा है नहीं, पूरे के पूरे गायब है पुट राइटर। तो दोस्तों स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल के दिन 500 के नीचे निकला आराम से आप सेल कर सकते हैं। अब जल्दी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, सॉरी हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन तो देख लिया। देखिए निफ्टी भी दोस्तों बहुत सिंपल है, निफ्टी में चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर कल के दिन गैप डाउन खुला और 17,030 इसके नीचे सस्टेन करने लग गया, क्लीन डाउन साइड, सीधे के सीधे 100 पॉइंट आपके हाथ में यूं ही आके पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 17,030 का लेवल में बात कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे क्लियर कट यहां पे एक बार सपोर्ट है, निफ्टी ने ओपन हुआ यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर अगर आप देखेंगे दोस्तों डॉट इसी लेवल को यहां पे टच किया और यहां से भागा ऊपर, फिर नीचे आया, डॉट इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं टच किया और यहां से भागा फिर ऊपर, यानी कि एक बार कहीं ना कहीं यहां पे टच किया, यहां पे अगर आप देखेंगे 2 बार निफ्टी टच किया इसी एरिया के आसपास, अगर आप देखेंगे आज के दिन 3 बार निफ्टी टच किया। और क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 3 बार टेस्ट कर चुका है, कल के दिन निकला तो समझ लीजिए कि सीधा फिसला निफ्टी और रुकेगा ही नहीं, क्योंकि 3 बार जो सपोर्ट टेस्ट कर चुका है 4 बार में वो तेजी से निकल जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, अब हमें बाय कब करना है। देखिए कल के दिन अगर गैप अप खुला और 17,136 इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस एक्शन कुछ दिखा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, डोंट वरी मैं फ्री वाले ग्रुप पे बता दूंगा, तो ही हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी दोस्तों हमने सिंपल कहीं ना कहीं लॉजिक लगाया था बैंक निफ्टी में, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है आज के दिन का। हमारा अगर आप देखेंगे आज के दिन निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पे एक डिप मारा, ओके डिप मारा, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश किया, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं आज के दिन बायर थे। लेकिन जैसे ही घूमा, ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया, निफ्टी सीधे धड़म करके नीचे। तो 17,136 जो आज के दिन ही सपोर्ट बनाया था, वही लेवल आज के दिन ब्रेकडाउन दे दिया सपोर्ट को और नीचे आया। तो अब ये लेवल अगेन बन चुका है रेजिस्टेंस, तो कल के दिन इसके ऊपर जाता है तो ही बाइंग के साइड जाना है, उससे पहले मत सोचिए कहीं ना कहीं बाइंग के साइड। क्लियर हो गया, 17,069 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहे हैं, 17,070 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो जल्दी देख लेते हैं हमारा ऑप्शन चेन, अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर परफेक्ट एंड दोस्तों ये पुट राइटर, और यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे इसी एरिया के आसपास 17,050 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहे हैं। अगर आप कॉल राइटर देखो तो भाई आपको लगेगा कि कल ही एक्सपायरी है, क्योंकि 17,100 के लेवल पे ही 47 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं एक दिन में। 29 मार्च कितने दिन है आप समझ सकते हैं, और अभी से कॉल राइटर आके बैठ चुके हैं 17,100 के लेवल पे। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे इतना कुछ खास नहीं है, 28 लाख, 10 लाख, 18 लाख कम भी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखेंगे पुट राइटर, तो पुट राइटर दोस्तों गायब नजर आ रहे हैं, पुट राइटर में स्ट्रेंथ है नहीं। 17,000 के लेवल पे जो एक राउंड लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे भी ओनली एंड ओनली 10 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। उसके नीचे तो पुट राइटर दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, ओनली 27,000, ये कोई पुट राइटिंग होता है, ओनली 2 लाख, ओनली 1 लाख, यानी कि पुट राइटर गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन कहीं ना कहीं डाउनफॉल दे सकते हैं। अगर निफ्टी 17,000 के नीचे गया तो 10 लाख पुट राइटर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर पर वैसे भी 40-50 लाख कॉल राइटर बैठे हैं, उसके 5 गुना बैठे हैं, तो और क्या कर सकते हैं, सीधे निफ्टी नीचे ही गिरने वाला है अगर कल के दिन लेवल टूटा तो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। और दिल से थैंक यू, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और जो फ्री वाले ग्रुप पे मैं देता हूं प्लीज उसको जाइए आप पेपर ट्रेड कीजिए, आप खुद देखिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि प्रॉपर वे में ट्रेडिंग कैसे होता है और सस्टेन क्या होता है, एवरीथिंग समझ पाएंगे। देन डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि फ्री वाले ग्रुप सब आर्न
हम तो कर ही पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। टेक केयर, बाय एंड सी यू।